दोस्तों फाइनली जो है मोटो G84 5G फोन के ऊपर जो है एंड्रॉइड 14 का अपडेट आ चुका है। मेरी वीडियोस को फॉलो करो, चैनल को फॉलो कर लो, वहां पे जो भी प्रॉब्लम्स दिक्कत आता है सारा चीज मैं शेयर कर रहा हूँ, उसको समझने के बाद ही आप अपग्रेड करना, वरना पछताओगे, आपका फोन खराब भी हो सकता है। बट आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक क्रेजी नेक्स्ट लेवल वाला फीचर जो आपका फोन का सिक्योरिटी सेफ्टी एंड आपका तगड़ी लेवल का कर देगा, जिससे आपका फोन जो है एकदम सेफ रहेगा। एंड साथ में दोस्तों जो ना क्रेजी वाला फीचर जो ना आई थिंक जो ना इसको बहुत पहले इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए था, क्योंकि इससे जो ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो यूजर एंड कंज्यूमर को फेस होता है आज के टाइम में डिजिटल इंडिया में, वो सब बहुत पहले बंद हो जाना चाहिए। तो वो सभी क्या फीचर है आज के वीडियो में बताना चाहूंगा। वीडियो को इसलिए एंड तक जरूर देखना दोस्तों, काफी कमाल का आपको आने वाला। जितने भी मोटो के डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो ना भाई, इस वाले फीचर को आपके फोन में मिलेगा। एंड कौन सा फोन आप यूज कर रहे हो लेट मी नो इन द कमेंट्स, उसके ऊपर मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आऊंगा। तो यहां पे दोस्तों सी व्हेन एप्स वांट टू शेयर योर लोकेशन विद द थर्ड पार्टी। अब होता क्या है, जो भी आप लोकेशन बेस्ड एप्लीकेशन, जैसे कोई कैब बुकिंग एप्लीकेशन हो गया, कोई होम डिलीवरी एप्लीकेशन हो गया, फूड डिलीवरी एप्लीकेशन हो गया, जहां पर भी आपके लोकेशन का एक्सेस मांगा जाता है ना, तो यूजुअली क्या होता है, जो भी एप्लीकेशन अभी तक जो होता आया कि जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो, जब यूज करना स्टार्ट करते हो, आपका लोकेशन का पूरा एक्सेस लेता है। यानी वो किसी भी समय आप कहां पे हो, आप कहां पे जा रहे हो, सारा चीज वो ट्रैक कर पाता है। साथ ही में अगर वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डेटा को शेयर करना चाहता है तो वो भी कर पाता है। यानी कि आपका डेटा सिर्फ जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो उसके पास ही नहीं, उसके थर्ड पार्टी के पास में भी चला जाता है, जो शायद हो सकता है आपका डेटा चुरा रहा होगा, आपका डेटा को बेच रहा होगा, या फिर आपके साथ में कोई स्कैम करने का प्लानिंग कर रहा होगा। बहुत सारे चाइना के एंड अदर कंट्रीज के एप्लीकेशन को हमारे भारत सरकार ने इसी वजह से बैन किया, बट बहुत सारे और भी एप्लीकेशन अभी भी है, जिसकी वजह से जो ना एंड्रॉइड 14 पे इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अब से जैसा कि आप देख सकते हो, इन ऐप वांट टू शेयर द लोकेशन, यानी ये आप जो ना स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हो ये वाला पॉइंट को बेसिकली, बट इसका मतलब ये है कि जो भी एप्लीकेशन जब आपका डेटा शेयर कर रही है, अगर वो दूसरे एप्लीकेशन को अगर शेयर करती है, दूसरे कंपनी को आपका डेटा शेयर करती है, तो वहां पे एप्लीकेशन पे आपको एक पॉपअप मिल जाएगा और वहां से आप उसको एक्सेप्ट या डिनाई, अप्रूव या डिनाई कर सकते हो। और कोई एप्लीकेशन ऑलरेडी आपके फोन में इंस्टॉल्ड है और वो अपना अपडेट कर लेता है ऐप, उसके बाद में नया फीचर कुछ ऐड कर देता है, जिसकी वजह से वो आपका डेटा अपने से सर्वर से दूसरे कंपनीज को शेयर करना चाहते थे ना, उस टाइम पे भी आपको एक पॉपअप दिखाई देगा। यानी किसी भी कंडीशन में कोई भी कंपनी, कोई भी एप्लीकेशन कभी भी आपका डेटा जब शेयर करेंगे, ऑटोमेटिकली जब शेयर होगा या फिर शेयरिंग का फीचर भी जब इंक्लूड करेंगे, तो आपके फोन में उसका पॉपअप मिल जाएगा, जिसको आप अप्रूव या डिनाई कर सकते हो। मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा जो भी थर्ड पार्टी आपका लोकेशन शेयरिंग का जब भी पॉपअप आता है उसको डिनाई करो। हाँ, जो एप्लीकेशन जैसे उबर ओला यूज कर रहे हो उसको अगर एक्सेस चाहिए तो उसको दे सकते हो, बट वही अगर ओला उबर कोई और कंपनी को आपका डेटा दे रही है ना, तो वो बिल्कुल मत करना, वो आपका डेटा बेच करके आपके साथ में कोई भी क्राइम भी हो सकता है, इसलिए बच के रहना। हमारे चैनल को फॉलो करो, सारा डिटेल मैं आपको बता देना चाहता हूं एंड बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, बग्स वगैरह सबके बारे में रिपोर्ट करो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे दोस्तों चैनल को सपोर्ट करते रहो, इसलिए जो भी क्वेश्चंस आप डालते हो मैं सब चीज का कवर करता हूं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम ट्विटर पर मुझे फॉलो नहीं कर रहे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन, जाके मुझे फॉलो जरूर कर लेना। एंड गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वाली वीडियो तक, जय हिंद जय भारत।